उसके अलावा बेड मिला है? बेड मिला है वहाँ पर जी। और क्या कुछ देखा आपने, क्या कोविड पेशेंट्स के अलग सेक्शन रखा गया है या फिर कोविड और नॉन कोविड पेशेंट्स को मिला दिया गया आपस में? वहाँ पर तो कोविड अनकोविड कौन सा कुछ समझ में नहीं आ रहा है वहाँ पर। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय श्री विजय लक्ष्मी सिल्क श्रीनगर बिदर, TMK एंटरप्राइजेस अथोराइज्ड MI स्टोर, जैस्मिन PU कॉलेज ऑफ साइंस एंड आर्ट्स, यूनिट ऑफ TMK फूड्स कैफे जूस जंकी, केयर एंड क्योर हॉस्पिटल चिदरी रोड बिदर, RK कंस्ट्रक्शंस एंड होप क्लिनिक। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल मास मीडिया बिदर। जिस तरह से अभी आप देख सकते हैं कि मैं खड़ा हूँ बिदर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और कुछ दिनों से हमें लगातार ये खबर मिल रही थी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन गैस सिलेंडर्स की कमी है और बेड्स की कमी है, और कोरोना के जितने पेशेंट्स हैं या फिर बस पूरे बिदर से मुख्तलिफ मुकामात से आ रहे जितने भी पेशेंट्स हैं उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो हमने कोशिश की कि यहाँ के डिस्ट्रिक्ट सर्जन से बात की जाए, DHO से बात की जाए, मगर किसी भी अथॉरिटीज़ से हमें सही तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो आप ये यहाँ पर पीछे देख सकते हैं कि पेशेंट्स अभी भी लाइन में लगे हुए हैं और प्रस्क्रिप्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने कोशिश भी की यहाँ के कुछ लोगों से बात करने की, मगर लोग डर रहे हैं बात करने के लिए, हिचकिचा रहे हैं, कोई भी खुलकर सामने बोलना नहीं चाह रहा है। और जिस तरह से देखा जा सकता है कि बसों कल्याण में बाय इलेक्शन चल रहा है और बिदर में CMC इलेक्शन चल रहा है, उसको कोविड के चलते भी उसको इतना हल्के में लिया जा रहा है कि अभी हाल ही में CM येडियुरप्पा की भी कोविड पॉजिटिव होने की खबर आई है और बिदर तो रेड जोन में भी आ गया है और यहाँ पर लगातार केसेस का ग्राफ जो है वो ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है। इसके बावजूद भी यहाँ के MLA और जितने भी हायर ऑफिशल्स हैं वो यहाँ वहाँ टहलने में मसरूफ़ हैं और इलेक्शंस में अपना वक्त दे रहे हैं, ये कहाँ का इंसाफ है? आप आइए और अपने ख़ुद के लोगों की खबर लीजिए, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आखिर बिदर में चल क्या रहा है। और कहीं ना कहीं अवाम के दिलों में भी ये डर हम देख सकते हैं कि कोविड को लेकर के लोग पैनिक होते हुए नज़र आ रहे हैं, और लोगों को ये भरोसा दिलाना अब इंतहाई ज़रूरी हो गया है कि हालात काबू में लाए जा सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लीजिए और प्रिकॉशंस लीजिए। अब अभी देख सकते हैं कि मैंने भी डुअल मास्क पहना हुआ है, डबल मास्क मैंने लगाया हुआ है। अब हम कोशिश तो कर रहे हैं कि यहाँ के किसी अथॉरिटी से बात करने की कोशिश कर सकें, ना तो हायर ऑफिशियल से हमें कोई रिस्पांस मिल रहा है और यहाँ के लोग पहले से ही बात करने से हिचकिचा रहे हैं, मगर फिर भी हम कोशिश में लगे हुए हैं कि अंदर के जो हालात हैं हॉस्पिटल के अंदर क्या चल रहा है वो बाहर हम आपके सामने आकर ले सकें। तो आप ऐसे ही ये जो कोरोना के अपडेट्स हैं आप बने रहिए, हम आपको कुछ देर में फिर मिलेंगे अगर हमें कोई रिस्पॉन्स मिलता है तो। चलिए फाइनली हमें एक शख्स ऐसा मिल गया है जो बिना हिचकिचाए बात करने को तैयार है, और MP MLA जितने भी हायर ऑफिशल्स अभी फ़िलहाल इलेक्शन में मसरूफ़ हैं उन तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम सुनील है। जी सर, आपने अंदर के हॉस्पिटल की हालत देखे हैं कुछ? हाँ सर, देखिए जी। अब हमारे तो पेशेंट का कोई हाल चाल ऐसा है कि कोई देखने वाला नहीं है उसके बराबर। कौन आपके कोई रिश्तेदार भर्ती है अंदर? रिश्तेदार नहीं, हमारी सास भर्ती है। क्या हालत है? कोविड पॉजिटिव है उनका तो। जी, कोविड पॉजिटिव है लेकिन वो सांस फूल रही है उसकी। अभी तक ना CT स्कैनिंग का सपोर्ट मिला है हमारे को, ना एक्सरे का सपोर्ट मिला। अभी एक्सरे की चिट्ठी लेके जा रहा हूँ अभी एक्सरे निकालने के लिए। ना कोई इसका डॉक्टर का कोई ये नहीं है कि BP का भी कोई चेक करने आ रहा है ना जा रहा है कोई। ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी बताई जा रही है। ऑक्सीजन तो दिए नहीं, एक दिन खाली वो निकालने के लिए दिए तो। जी नहीं, ऑक्सीजन ही नहीं दिया गया? ऑक्सीजन है लगा हुआ कंटिन्यू उनको, लेकिन एक्सरे के लिए जो जाना पड़ता है उस टाइम पर सिलेंडर का सपोर्ट नहीं मिला है। अच्छा, और उसके अलावा बेड मिला है? बेड मिला है वहाँ पर जी। और क्या कुछ देखा आपने, क्या कोविड पेशेंट्स के अलग सेक्शन रखा गया है या फिर कोविड और नॉन कोविड पेशेंट्स को मिला दिया गया आपस में? वहाँ पर तो कोविड अनकोविड कौन सा कुछ समझ में नहीं आ रहा है वहाँ पर। अच्छा। हमारे रूम में तो मतलब अलग अलग एक सेपरेट बैचेस नहीं बनाए गए? बैचेस तो हमारे उसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोविड पेशेंट के साथ में अब हमारे सास ससुर दोनों एक ही साथ है, अभी उनको कोविड है, उनके साथ में बैठे हुए। अभी आप आखिरी वक्त कहाँ गए, कब गए थे ऊपर? मैं कंटिन्यू यहीं अभी 3 दिन से इसी अस्पताल में। अच्छा, इस तरह से अभी आपने सुना कि इनका कहना है कि कोविड और नॉन कोविड पेशेंट्स के बीच में अंतर जो है वो कितना होता है, एक नॉन कोविड पेशेंट को कोविड लगने में कितना वक्त लगता है, इस किस्म की लापरवाही जो सामने आ रही है गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जानिब से, इसके बावजूद भी जितने पॉलिटिशियंस हैं वो अभी भी इलेक्शन में मसरूफ़ हैं। आखिर कब इन चीज़ों की रोकथाम को सीरियस लिया जाएगा और इस पर कुछ कोई इकदाम निकाले जाएंगे? आखिर क्यों इन तमाम चीज़ों को हल्के में लिया जा रहा है? और अगर आप अभी भी आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं सर, टॉयलेट रूम क्लियर क्लीन है इधर हाँ। नए बिल्डिंग में इधर अस्त व्यस्त है पूरा, सेकंड इसमें ज़रा पूरा सीरियसनेस कुछ भी नहीं है ये बिल्डिंग में स्पेशली। पॉलिटिशियन तो पूरा इलेक्शन में बिजी है ना। CM भी आए थे हमारे, भाषण करके गए, कुछ केयर नहीं है, क्या भी नहीं।
स्पेशली रिक्वेस्ट है, बहुत लोग लापरवाही से बहुत मर रहे सर, जरा केयर करो बोल के इतना रिक्वेस्ट है। तो आप भी फेसबुक पर कमेंट सेक्शन में लड़ने के बजाय यहाँ पर आइए और अपने हायर अथॉरिटीज से सवाल करिए, क्योंकि ये सिर्फ मीडिया का काम नहीं है बल्कि हर आम नागरिक की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने नेता से, अपने विधायक से, जिसे उसने वोट दे करके चुना है, उससे जा करके सवाल करे कि आखिर इन चीज़ों की रोकथाम को लेकर के प्रिकॉशंस इकदाम क्यों नहीं लिए जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों में उनके इस चेहरे को देख करके साफ नज़र आ रहा है कि वो कितने डरे हुए हैं, और ये डर सिर्फ और सिर्फ सियासत के जितने भी हम कह सकते हैं कि दलाल सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन में बिजी हैं। यहाँ की खबर कौन लेगा आखिर? तो मास मीडिया की तरफ से सीधा ये सवाल है कि आखिर कब कोविड को सीरियस लिया जाएगा, क्या CMC इलेक्शन के बाद या CMC इलेक्शन से पहले।